खुल गई सीमा हैदर की किस्मत, छप्पर फाड़ कर मिल रहे हैं फिल्मों के ऑफर, खुशी से गदगद है सचिन की सीमा, क्या हीरोइन बनने के बाद भी सचिन से प्यार करेंगी सीमा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी न्यूज में। पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर को आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। हिंदुस्तानी युवक सचिन मणि के साथ उनकी लव स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी है कि सभी इस कपल को जानने लगे हैं। महीनों से हर जगह सीमा सचिन के चर्चे हैं। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर की सचिन के घर में रहने की खबरें जैसे ही फैली थी, टीवी से लेकर यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों की लाइन लग गई थी सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने के लिए। दोस्तों, इंटरव्यू लेने वालों की हर रोज कतार इतनी ज्यादा रहती थी कि सीमा का इंटरव्यू लेने के लिए भी पत्रकारों को लाइन में लगकर नंबर वाइज जाना पड़ता था। इन सब के बीच सीमा सचिन को खूब फेम मिला, लेकिन साथ ही सामने खड़ी हो गई एक मुसीबत, और वो मुसीबत थी पैसों की कमी। जी हाँ दोस्तों, सीमा ने अपनी फाइनेंशियली मदद के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसे लोगों से सब्सक्राइब करने की अपील की, और जैसे ही ये बात सामने आई कि सीमा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, सचिन के प्यार की वजह से फेमस हुई सीमा के घर जॉब ऑफर्स और फिल्मों की लाइन लग गई। बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स ने उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल साहू मर्डर केस पर बन रही फिल्म में अंडरकवर एजेंट के रूप में सीमा हैदर को कास्ट किया है। अब सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर भी फिल्म बनने जा रही है। दोस्तों, फिल्म में सीमा लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म को भी जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी ही बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा। जानकारी के मुताबिक अमित जानी अगले सप्ताह कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। दोस्तों, सीमा हैदर को फिल्म में लॉन्च करने से जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी सुर्खियों में तो आ गए हैं, लेकिन साथ ही मुसीबत में भी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को अपनी फिल्म में काम देने पर निर्माता अमित जानी को जान से मारने की धमकी मिली है। अमित जानी ने मेरठ और नोएडा पुलिस से शिकायत की है। रविवार को फिल्म निर्माता अमित जानी ने आरोप लगाया कि मोनू मानेसर के नाम से उनके व्हाट्सएप पर कॉल आई थी, जिसमें उनसे कहा गया कि यदि सीमा हैदर को उसने अपनी फिल्म में काम दिया तो जान से मार देंगे। अब दोस्तों, जो भी हो, इन सब के बीच सीमा और सचिन के साथ अमित जानी भी सुर्खियों में बने हुए हैं, और फिल्म बनाने से पहले ही फिल्म का खूब प्रमोशन हो चुका है। दोस्तों, अभी तक न तो सीमा हैदर के पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो पाया है और न ही उनके कागजात वेरीफाई होकर पाकिस्तान से वापस आए हैं। फिर भी सीमा हैदर और सचिन सुर्खियों में बने हुए हैं। गजब बात तो ये है कि सीमा हैदर को फिल्म में डेब्यू करने के साथ साथ राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर मिला है। इसको लेकर सीमा हैदर बेहद उत्साहित हैं। जहां एक तरफ सीमा हैदर को इतना फेम मिल रहा है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। हाल ही में ये गाना वायरल हो रहा था। बोल वो पाए ना, किसी को भाए ना, समझ आए ना, ऐसा क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन? बोलना वहाँ पे आना है ना, बोलना वहाँ है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एक्टिंग में डेब्यू करने के बाद भी सीमा सचिन से प्यार करेंगी? क्या फिल्म में काम करने के बाद सीमा का पबजी वाला प्यार बरकरार रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए इंडी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।